प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाने वनटांगिया गांव आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ दीपों का पर्व मनाएंगे। गौरतलब है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 20 वर्षों से वनटांगिया समुदाय के लोगों के बीच दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, तभी से वनटांगिया समुदाय के बीच में आकर दीपावली मनाते रहे हैं। वहीं जब सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वनटांगिया गांव को नई सौगात दी। मुख्यमंत्री ने वनटांगिया गांव के लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, शुद्ध पेयजल और सड़क निर्माण से लेकर बिजली तक की व्यवस्था की है। ऐसे में सीएम योगी ही नहीं, वनटांगिया गाँव के सभी लोग दीपावली के इस त्यौहार पर सीएम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वनटांगिया गाँव के लोग इस समय दीपावली को लेकर खासे उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर वनटांगिया गांव के लोग अपने घरों की साफ सफाई करने के साथ ही घरों की लाइट से सजावट का काम कराने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल निरीक्षक का निरीक्षण किया तथा तैयारियों की जायजा लिया। इस दौरान SSP डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने बताया। अरे जगह मिली ठीक है। पूरा डिटेल कमाल खान का सृष्टि का रुचि का सबका जायदाद पूरा फोटोग्राफ फार्म हाउस का लेकर छापा था एक मैगजीन वाला और वही लड़का है। कल यार पानी की टंकी रख रहे देखिए, हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी वनटांगिया लोग के बीच में जाके दिवाली मनाते हैं। कल भी उसी दिशा पे कल आ रहे हैं। कल तक तकरीबन 11 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे। ये वनटांगिया गांव का तिनकुनिया नंबर 3 है। टोटल 5 गांव हैं यहाँ, वनटांगिया गांव है, 3 गांव इससे जुड़ा हुआ है, बाकी 2 गांव थोड़ा दूर दूर पे है। कल तो इसी कार्यक्रम पे यहाँ से और लोग भी आते हैं, महाराजगंज की तरफ से वनटांगिया लोग भी आते हैं। लगभग 2,000-3,000 लोग का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, इसी गांव में पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय में उन लोगों के पास आवास नहीं था, पट्टा नहीं था, कोई भी सुविधा नहीं था, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। सबको माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से पट्टा मिल गया है, उसके बाद इन लोगों का आवास भी बन रहा, मुख्यमंत्री आवास बन गया है, फिर बिजली के कनेक्शन हो गया है, उन लोगों का सिलेंडर मिल गया है और राशन कार्ड मिल गया है और जो भी सुविधा है सरकार स्तर पे जो उनका देना है, पेंशन इत्यादि सारे चीज़ तो मिल गया है। कल यहाँ हम लोग स्पेशल कैंप भी लगाएंगे, इस पे यदि 1-2 लोग छूटे हैं उन लोगों में हम शामिल करते हुए वनटांगिया लोग का जो मेन स्ट्रीम में जोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशा भी यही है,
इन लोग जो 75 साल से जो वंचित रहे हैं जो आज़ादी से, उसका आज़ादी का पहले बार वो सांस ले रहे हैं, और मेन स्ट्रीम से जोड़ के इन लोगों को भी हम लोग मुख्य धारा से जोड़ के आगे ले चलेंगे।